वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। आज हम अपनी इस्लामिक की किताब तरबियत निसाब का आगाज़ करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद हो तो हमने प्रीवियस वीडियो में इस सबक की रीडिंग की थी। आज हम इस सबक की मश्क को हल करेंगे। सफ़र नंबर 32 और 33 पर इस सबक की मश्क दी गई है। सबसे पहले हम सफ़र नंबर 32 पर मौजूद मश्क को हल करते हैं। सफ़र नंबर 32 पर सवाल नंबर 1 दिया गया है आपको। मंदरजा ज़ेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला सवाल है, आपके पास दुनिया किस चीज़ का घर है? जवाब है, दुनिया तब्दीलियों का घर है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? दुनिया तब्दीलियों का घर है। दूसरा सवाल है, क़यामत की निशानियाँ किसने बताई हैं? क़यामत की निशानियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बताई हैं। तीसरा सवाल है, क़यामत कब तक नहीं आएगी? क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला ज़मीन पर बाकी होगा। ये तीनों सवाल स्टूडेंट्स आपको इसी तरीके से अपनी बुक के अंदर लिखने हैं। सवाल नंबर 2 है, आपके पास लकीर के ज़रिए अल्फाज आपस में मिलाकर जुमले मुकम्मल करें। जैसे पहला जुमला है कुरान करीम, यानी कि ये आपको निशानियाँ बताई गई हैं कि जब क़यामत आएगी तो कुरान करीम क्या हो जाएगा। मग़रिब से निकलेगा, मुसलमान बाकी नहीं रहेगा, बेकीमत हो जाएगी, आम हो जाएगा, आसमान पर उठा लिया जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आपके पास कि कुरान करीम जो है वो आसमान पर उठा लिया जाएगा। तो आप कुरान करीम को आसमान पर उठा लिया जाएगा से मिला दें। दूसरा है आपके पास झूठ बोलना। झूठ बोलना क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आम हो जाएगा क़यामत जब आएगी आने से पहले, तो झूठ बोलने को आम हो जाएगा से मिला दें। तीसरा आपके पास हया, हया जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो आप हया को ख़त्म हो जाए से मिला दें। चौथा है आपके पास इंसानी जान बेकीमत हो जाएगी, तो इंसानी जान को बेकीमत हो जाएगी से मिला दें। पाँचवा है आपके पास सूरज जो है वो कहाँ से निकलेगा? मगरिब से निकलेगा, तो सूरज को मगरिब से निकलेगा से मिला दें। लास्ट है, पूरी दुनिया में एक भी क्या बाकी नहीं रहेगा? मुसलमान बाकी नहीं रहेगा, तो पूरी दुनिया में एक भी को मुसलमान बाकी नहीं रहेगा से मिला दें। ये भी आपको स्टूडेंट्स इसी तरीके से अपनी बुक के अंदर मिलाने हैं। इसके बाद सफ़र नंबर 33 पर आपको सवाल नंबर 3 दिया गया है, ज़ेल में दिए गए अल्फाज को नक्शे में तलाश करके इनके गिर्द दायरा बनाएं। आप अल्फाज को दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे तलाश करें। अल्फाज क्या हैं आपके पास? क़यामत, दिन, तब्दीली, सर्दी, गर्मी, हिजा, सूर। अब आप देखें यहाँ पर ये अल्फाज आपको कहीं नज़र आ रहे हैं। ये देखें, काफ़, ये, अलीफ, मीम और ते, क्या बनाए स्टूडेंट्स? ये क़यामत। तो क़यामत पे आपको क्या करना है? गिर्द उसके दायरा बना देना। जैसे ये मैंने बनाया आपको अपनी कॉपी बुक में, इसी तरीके से इसके गिर्द जो है वो दायरा बनाना है। उसके बाद आपके पास दिन, दिन दिख रहे हैं स्टूडेंट्स आपको कहीं दिख रहा है? दिन अल्फाज बन रहा है गिरा, दाल और नून, क्या बना? दिन। तो दिन के आपको गिर्द क्या बनाना है? दायरा बनाना है। उसके बाद क्या है? तब्दीली। अब तब्दीली देखें आप यहाँ कहाँ नज़र आ रहा है आपको? ये रहा, ते, बे, दाल, ये, लाम, ये, क्या बना? तब्दीली। तो तब्दीली के गिर्द आपको क्या करना है? दायरा बनाना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? सर्दी। अब देखें यहाँ कहीं सर्दी नज़र आ रहा है आपको? सीन, रे, डाल, ये, क्या बना? सर्दी। तो आपको इसके गिर्द क्या बनाना है? दायरा बनाना है। नेक्स्ट क्या है? गर्मी। देखिए स्टूडेंट्स कहीं आपको गर्मी के हर्फ नज़र आ रहे हैं? ये रहे, गाफ, रे, मीम, ये, गर्मी। तो गर्मी के गिर्द आपको क्या बनाना है? दायरा बनाना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? खिज़ा। खिज़ा आपको स्टूडेंट कहीं नज़र आ रहा है? जी हाँ, ये रहा, खे, ज़े, अलीफ, नून, गुन्ना, खिज़ा। तो आपको क्या करना है? इसके गिर्द दायरा बनाना है। आखिर है आपके पास सूर। देखें आपको कहीं नज़र आ रहा है? ये रहा, स्वाद, वाव, रे, क्या बना? सूर। तो आपको इसके गिर्द क्या बनाना है? दायरा बनाना है। तो इन तमाम अल्फाजों के गिर्द आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? दायरा बनाना है अपनी किताब में, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर बना के लिखा है। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, सवाल नंबर 4, क़यामत की निशानियों को नीचे दिए गए खाली खानों में लिखिए। जैसे कुरान करीम आसमान पर उठा लिया जाएगा,
जैसा झूठ बोलना आम हो जाएगा यहाँ पर लिखिए, उसके बाद हया ख़त्म हो जाएगी यहाँ लिखिए, सूरज मगरिब से निकलेगा यहाँ लिखिए, इंसानी जान बे कीमत हो जाएगी यहाँ लिखिए। तो ये सारी कयामत की निशानियाँ इस तरीके से आपको क्या करनी है, इन खाली खानों के अंदर लिखनी है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस सबक की मश्क जो है वो समझ आ गई होगी और आप बिल्कुल इसी तरीके से अपनी बुक के अंदर इस सबक को हल करेंगे अपनी किताब में ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में इसी सबक की बाकी एक्सरसाइज के साथ, बाकी मश्क के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।